हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के बारे में, कैसे हम रिपोर्ट देखें कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि एक सीमेन की रिपोर्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने दिन का कंट्रोल होना चाहिए। मिनिमम 3 डेज़ का कंट्रोल होना चाहिए, 3 to 5 डेज़ का कंट्रोल बोला जाता है। तो इस पेशेंट का देखिए 3 डेज़ का कंट्रोल है, पेशेंट 3 डेज़, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सीमेन कैसा दिखता है, अपीरियंस कैसा है, कैसा दिखेगा। अगर नॉर्मल है तो ओपेक ग्रे होमोजीनियस इस टाइप का अगर है, मतलब ग्रे इस टाइप का ओपेक जिसमें आर पार नहीं देख सकते, तो इस तरह का है तो वो नॉर्मल कहलाता है। नहीं तो अगर रेडिश है तो वो अब नॉर्मल होगा। फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम होना चाहिए 1.5 ml से ज़्यादा, इस पेशेंट का 3 ml के अराउंड वो है। ये सारे की सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपी जो आँखों से दिखती हैं वो चीज़ें होती हैं। फिर हम बात करेंगे लिक्विफिकेशन टाइम की। लिक्विफिकेशन टाइम वो होता है जब ये सीमेन गाढ़ा होता है और पतला होने में कितना टाइम लेता है बिल्कुल पानी की तरह, तो 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का इसका नॉर्मल टाइम होता है। अगर 30 से 60 मिनट में अगर ये नॉर्मल पानी आ रहा है, बन रहा है, तो वो सही है। फिर है पीएच। पीएच होता है इसका 5 से 8, स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक होता है, तो 6.5 है इसका, तो ये नॉर्मल है। अब हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी भी नॉर्मल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपी देखी जाती हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर हम 1 ड्रॉप ऊपर से डाल के देखें तो बिल्कुल विस्कस होना चाहिए, तुरंत नीचे गिर जाना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ नॉर्मल होती है। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की, जो हमें स्लाइड बनाने के बाद दिखता है। बात करते हैं कंसंट्रेशन की, जो कि होती है 50 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक। तो इसकी 80 मिलियन है, आप देख सकते हैं, तो ये नॉर्मल है। तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ रहे होते हैं। आपने स्लाइड में देखा होगा कि किस तरह से स्पर्म्स होते हैं नॉर्मल स्लाइड में, तो 80 मिलियन स्पर्म्स हैं इसके, तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम बात करेंगे टोटल मोटाइल परसेंट की, कितने परसेंट मोटाइल होना चाहिए। मोटाइल वह होता है कि मूवमेंट वाले, कितने मूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 40% से अबव मोटाइल है, तो ये बहुत अच्छा है। इस पेशेंट का 80% मोटाइल है, तो ये काफ़ी अच्छी मोटिलिटी परसेंट होती है। तो अगर मोटाइल 80% है, तो आप देख सकते हैं कि इमोटाइल जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, जो डेड होते हैं, वो 20% हमने यहाँ शो कर रखे हैं। तो इतने तो हो ही जाते हैं 20% इमोटाइल, क्योंकि 30 मिनट्स हम इसको रूम टेम्परेचर भी रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि 80% में से प्रोग्रेसिव कितने हैं, बहुत फास्ट कितने हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 65% काफ़ी रैपिड प्रोग्रेसिव हैं, और नॉन प्रोग्रेसिव जो बहुत हल्के मुल्के हिल रहे हैं वो 15% है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म्स के बारे में। अगर 80% हैं मोटाइल, तो उसमें से कितने नॉर्मल हैं, तो हम देखेंगे कि 92% हमारा जो नॉर्मल फॉर्म है, जो माइक्रोस्कोपी हमें दिख रहा है, वो 92% ये बिल्कुल नॉर्मल निकले हैं, जिसका हेड हो गया, टेल हो गया और नेक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। अब नॉर्मल की बात करें तो इसके अंदर 8% हमें, क्योंकि 100% होता है टोटल, तो अब नॉर्मल 8% है और नॉर्मल 92% है। तो अब नॉर्मल के अंदर भी हम देखते हैं कि कौन सा डिफेक्ट है, हेड डिफेक्ट है, किस तरह का डिफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि हेड डिफेक्ट 4% है, मतलब किसी के सिर 2 हैं, किसी का सिर छोटा है, तो 4% ऐसे हैं कि जिनमें हेड डिफेक्ट है। नेक डिफेक्ट होता है कि जो गला होता है उसमें कितना परसेंट है, तो 1% हमें नेक डिफेक्ट मिला है, और टेल डिफेक्ट मिला है हमें 3%, जिसकी किसी किसी की 2 होती हैं। तो अब हम बात करेंगे सेल्स के ऊपर कि सेल्स कितने कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पस सेल्स की, जो कि होते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होते हैं, वही अगर सीमेन की स्लाइड में आए तो उनको पस सेल बोलेंगे। अगर ये 2-4 हैं तो नॉर्मल है, 8-10 भी हैं तो नॉर्मल है, ज़्यादा कोई अबनॉर्मल नहीं है। फिर हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स, ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ब्लड की कंटामिनेशन होती है तो आते हैं। फिर हम बात करेंगे एपिथीलियल सेल की। एपिथीलियल सेल होते हैं कि हमारा जो सीमेन आ रहा है उससे टच होकर कितने सेल्स आ रहे हैं, 1-2 आ रहे हैं तो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से हमारी सीमेन की रिपोर्ट कवर हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी सीमेन की इस रिपोर्ट को कंपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मिलते हैं।